अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं फलां कबीले की कोशादा ज़मीन में हूँ। एक बुलंद जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आपके साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी मौजूद हैं। हज़रत उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक शख्स मुझे और हज़रत अबू बकर को गालियां देता है। आपने फरमाया, ए अबू हफ्स, हज़रत उमर की कुनियत इससे लाया जाए। जब इस शख्स को लाया गया तो वो अमान नामी शख्स था जो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को गालियां देने में बहुत मशहूर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे लिटा दो। इसको लिटा दिया गया। फिर आपने फरमाया, इसको ज़बह कर दो। इससे ज़बह कर दिया गया। रावी कहते हैं, मैं इसके चीखने से ही जागा। ये मंजर जब मैंने देखा और बेदार हुआ तो ख्याल आया कि मैं जाकर इस शख्स को ये वाकया बताऊं, हो सकता है वो तौबा कर ले। जब मैं इसके घर के करीब पहुंचा तो मुझे बेहद ज़्यादा रोने की आवाज़ आई। तो मैंने पूछा, ये रोने की आवाज़ कैसी है? तो मुझे लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता रात अमान को इसकी चारपाई पर ज़बह कर दिया गया। मैं इसके करीब हुआ, इसकी गर्दन को देखा तो नज़र आया एक कान से दूसरे कान तक ऐसा चीरा गया है कि इससे खून बह रहा है।